أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. आठवां लम्हा, छठे और सातवीं लम्हा सिफात मुहस्सिना महलिया के बयान में और लाम के कायदों में किसी को कुछ पूछना है? लाम के कायदे वाज़े हैं, किसी को कुछ पूछना है? आठवां लम्हा रा के कायदों में, रा इसके लिए आप लोगों ने भी तैयार रहना है और रा में बहुत सारे कायदे हैं, ठीक है। कायदा नंबर एक, अगर रा पर ज़बर या पेश हो तो इस रा को तफ़ीम से यानी पुर पढ़ेंगे, जैसे रब्बो का रोबामा, सीधा कायदा। जैसे लाम लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो उसको पुर पढ़ा जाता है, इसी तरह रा इसके ऊपर ज़बर या पेश हो तो इसको भी पुर पढ़ा जाता है यानी तफ़ीम के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? रब्बुक 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 रुबमा रुबमा रब्बुक रा 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 अर 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 पढ़ो अर पुर करो अर अर हाँ पुर अर अर पुर नहीं है अर अर। इसी तरह रब्बो का रुबमा। और अगर रा पर ज़ेर हो तो उसको तरकीक यानी बारीक पढ़ेंगे, जिसे रिजालुन रब्बिल आलमीन रा रब्बिल रा। अच्छा, रिजालुन रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतन तिजारतन रापुर रिजालुन रा बारीक। जिस रा, तो अभी एक कायदा हो गया, रा पर ज़बर या पेश हो तो पुर और ज़ेर हो तो बारीक, याद आ गई। मिसाल दे दो रब्बो का रुबमा, ठीक है। इसी तरह रिजालुन तंबीह, रामुशद्दद भी एक रा है, रामुशद्दद भी एक रा है, बस खुद उसकी हरकत का एतबार करके उसको पुर या बारीक पढ़ें, जैसे सिर्रन 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 सिर्रन, और रा को पुर पढ़ना है, इसलिए कि उसके ऊपर रा ज़बर है, रा दो ज़बर तनवीन, तो उस वजह से इसको भी हम उसी कायदे में डालेंगे जिसमें ज़बर और पेश है। और दुर्रियुन दुर्रियुन की रा को बारीक, क्यों? रा पे ज़ेर है, क्यों? रा पे ज़ेर है, दुर्रियुन दुर्रियुन। लेकिन तकरीर इसमें करनी है कि नहीं करनी? तकरीर क्या चीज़ है? तकरीर तकरीर हाँ आवाज, तो दुर्रियुन ऐसे नहीं पढ़ना, दुर्र नहीं पढ़ना, दुर्रियुन दुर्रियुन दुर्रियुन, ठीक है। आप लोग जब इसकी मश करेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर ये जो रे ना ये निकालना आपको बहुत ही मुश्किल बनेगा। मैं बहुत मुश्किल से निकालता हूँ, इसलिए कि अभी आदत ही नहीं रही इसकी, तो ये
मश करने से होगा। जब आप इसकी मश करोगे तो ये दुर करके आपको निकालना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, दुर्रियुन की रा को बारीक पढ़ेंगे, इसको अगले कायदा नंबर दो में दाखिल ना कहेंगे। कायदा नंबर दो आ रहा है, जैसे बाज़ी नावाकिफ इसको दो रा समझते हैं, पहली साकिन और दूसरी मुतहर्रिक। ये दो रा नहीं है, एक ही है। कितने रा हैं? है एक, मुशद्दद हैं, है। इसको कायदा नंबर दो के मुआफिक दो रा नहीं समझना है, दो रा, लेकिन समझेंगे इसको एक रा, हुक्म इसका एक रा का है, रा दो है असल में, लेकिन हुक्म इसका एक है। जब इसको पुर पढ़ना है तो पुर पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पहले को बारीक पढ़ो दुर रुयन दुर रुयन, ऐसे नहीं कि आधा आप एक रा को आप पुर पढ़ो दूसरे को बारीक पढ़ो। जैसे सिर रन तो आप पढ़ोगे सिर रन तो ये गलत हो जाएगा ना, मुश्किल भी बनेगा कि पहले को बारीक पढ़ो सिर रन, तो रवान जारी तिलावत में आप नहीं पढ़ सकोगे, तो इसलिए इसको एक ही रा का हुक्म दिया गया है। ठीक है, पहली साकिन और दूसरी मुतहरिक ये गलती है। कायदा नंबर दो, अगर रा साकिन हो तो उससे पहले वाले हर्फ को देखो कि इस पर क्या हरकत है। अभी रा मुतहरिक की बात हो गई, रा मुतहरिक अगर रा पर ज़बर और पेश है तो पुर है, रा बारीक है तो रा ज़ेर है तो बारीक है। इसी तरह रा अगर मुशद्दद है तो क्या करना है, उससे पहले वाले हर्फ को देखना है, अगर वो उस पर ज़बर है नहीं, अगर रा पर शद है तो भी वो मुतहर्रिका की हुक्म में आएगा, अगर ज़बर है या पेश है तो इसको पुर पढ़ना है, अगर ज़ेर है तो इसको बारीक पढ़ना है। रा मुशद्दद का हुक्म पहले कायदे की तरह है, यानी हरकत ज़बर और पेश का है तो पुर है, अगर ज़ेर है तो बारीक है, इसको पहले वाले हर पे नहीं डिपेंड करेंगे। कायदा नंबर दो, अच्छा ये रा मुतहर्रिका की बात हो गई, अभी अगर रा साकिन हो तो क्या करना है, अभी उसके कायदे पढ़ते हैं। अगर रा साकिन हो, अगर रा साकिन हो तो इससे पहले वाले हर्फ को देखो कि इस पर क्या हरकत है। अभी रा बज़ात खुद साकिन है तो फिर क्या करना है, उससे पहले वाले हर्फ को देखो, अगर ज़बर या पेश हो तो इस रा को पुर पढ़ेंगे, वही कायदा आएगा। अगर रा के ऊपर ज़बर या पेश है पुर पढ़ना है, अगर रा साकिन है और इससे पहले ज़बर या पेश है तो फिर भी पुर पढ़ना है, तफहीम के साथ पढ़ना है, तो इस रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे बारुकुन बारुकुन युरज़कून बारुकुन युरज़कून, दोनों रा पुर है युरज़कून, और अगर ज़ेर है तो इस रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे अन्ज़िरहुम अन्ज़िरहुम, रा साकिन उससे कबल ज़ेर कसरा तो उसको बारीक पढ़ेंगे अन्ज़िरहुम। लेकिन अभी दो कायदे हो गए, ठीक है, रा ज़बर या ज़ेर ज़बर या पेश हो पुर है, और अगर ज़ेर है तो बारीक है। इसी तरह अगर रा साकिन है और उससे पहले ज़बर या पेश है तो पुर है, और इससे पहले कसर ज़ेर है कसरा है तो बारीक है। अभी एक और बात है, लेकिन ऐसी रा के बारीक होने की तीन शर्तें हैं, अगर रा साकिन है उससे पहले ज़ेर है या ज़बर है या पेश है, तीन शर्तें इस पे लागू होंगी। कितने? तीन शर्तें। वो शर्त कौन कौन से हैं अभी पढ़ते हैं। पहली शर्त ये है कि ये कसरा असली हो आर्जी ना हो, कसरा असली हो, और असली और नकली या आर्जी इसका पता कैसे चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह समझाऊंगा। क्योंकि अगर आर्जी होगा तो फिर ये रा बारीक न होगी, जैसे इरजियाऊ 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 में हमजा
आर्जी है। और आर्जी की बात यह है कि जब इसको इधर से ही आप शुरू करते हो तो ये आएगा, जैसे अल्लज़ीना अल्लज़ीना इधर से ही शुरू करते हो, या इरजिउ इरजिउ इधर से, यानी कि अरबी ज़ुबान में सुकून से इब्तिदा नहीं है किसी भी लफ्ज़ का, याद रखो। अरबी ज़ुबान में सुकून से कोई भी हरफ शुरू नहीं होता, इसलिए वो इब्तिदा में हमज़ा लगा लेते हैं, जैसे इरजिउ, ठीक है। तो इरजिउ का जो हमज़ा है ये आरजी है। इसको कैसे पता चलेगा हमें, हम जब पढ़ते हैं रब्बिरजिउनी, तो जब रब इसके साथ लफ्ज़ रब इसको इसके साथ मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, हमज़ा हम नहीं पढ़ते, इरजिउ रब इरजिउ हम नहीं पढ़ते, रब इरजिउ नहीं पढ़ते, बल्कि रब्बिरजिउनी लअल्ली अअमलु सालिहा, तो उधर हमज़ा हम ख़ज़ब करते हैं। इसी तरह अल्लज़ीना में जो हमज़ा है इसको भी हम ख़ज़ब कर दे ख़त्म कर देते हैं, ख़ज़ब करते हैं ख़त्म करते हैं, हम पढ़ते हैं इन्नल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना। तो ऐसे जब दो कलिमों में आता है और ख़त्म हो जाता है, ये आप लोगों को आसानी से पता चल जाता है, जहाँ पर आप इस दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं तो ऐसे ही जब हमज़ा ख़त्म हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आर्जी है, और उस पर हमेशा कसरा ही आता है। हाँ नहीं, उसके लिए अलग कायदा है। अच्छा, लेकिन ऐसी रा के बारीक होने की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ये कसरा असली हो, आर्जी ना हो। अगर क्योंकि अगर आर्जी होगा तो फिर ये रा बारीक ना होगी, जैसे इरजिउ। देखो रा साकिन भी है और इससे पहले हरफ यानी हमज़ा पर ज़ेर भी है, मगर चूंकि ये ज़ेर आरजी है इसलिए इस रा को पुर पढ़ेंगे। लेकिन बदून अरबी पढ़े हुए इसकी पहचान नहीं हो सकती कि कसरा यानी ज़ेर असली कहाँ है और आरजी कहाँ है। जहाँ जहाँ शुबा हो किसी अरबी पढ़े हुए से पूछकर इस कायदे पर अमल करो। तो रा साकिन हो तो इसके पहले वाले हरफ को देखना है, उस पर ज़बर या पेश है तो पुर पढ़ना है, अगर ज़ेर है तो बारीक पढ़ना है। लेकिन इस बारीक पढ़ने में भी तीन शर्तें हैं, बारीक पढ़ने में तीन शर्तें हैं। कौन कौन सी? पहली शर्त ये कि ये कसरा जो है ये असली हो, आरजी ना हो, ठीक है। अगर आरजी होगा तो क्या होगा, ये पुर पढ़ा जाएगा, जैसे इरजिउ इरजिउ। आगे पढ़ें या बस करें? अच्छा, तो जहाँ जहाँ शुबा हो किसी अरबी पढ़े हुए से पूछकर इस कायदे पर अमल करें। दूसरी शर्त ये है कि ये कसरा और ये रा दोनों एक कलमा में हो, ये रा साकिन और ये कसरा दोनों एक कलमा में हो। दो कलमों में आएंगे तो फिर ये आरजी बनेगा, ठीक है। अगर दो कलमे में होंगे तो रा बारीक न होगी, जैसे रब्बिरजिउनी रब्बिरजिउनी, रब्बी अलग है, इरजिउनी अलग है। तो दोनों को जब मिलाया और कसरा आरजी भी दरमियान से निकल गया तो क्या बना, रब्बिरजिउनी रब्बिरजिउनी। और रा को पुर क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल है ना। मैंने आपको बताया लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है सिर्फ वही पुर पढ़ा जाएगा जब उससे पहले ज़बर या पेश आएगा, इसके अलावा जितने भी लाम हैं वो सारे बारीक पढ़े जाएंगे। बोला था, याद है साद, याद है? लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है, क्योंकि लाम में असल तरकीक है, लाम में असल तरकीक, यानी कि उसको बारीक ही पढ़ना चाहिए। जहाँ पे भी लाम होगा बारीक ही पढ़ा जाएगा, पुर नहीं पढ़ा जाएगा।
लेकिन लफ्ज़ अल्लाह की तज़ीम की वजह से इसको पुर पढ़ा जा रहा है, अल्लाह अल्लाह। और देखो कुदरती तौर पे जब आप अल्लाह पढ़ोगे ना, एक किस्म का सुकून आएगा। ऐसे आप आदमी पढ़ते अल्लाह अल्लाह, ये भी ठीक है, जिक्र है, लेकिन जो मिठास और जो शीरीनी अल्लाह ऐसे पढ़ने में है ना, वो सादा पढ़ने में नहीं है। बहुत मज़ा करते जब आदमी पढ़ते अल्लाह, ठीक है ना। तो लफ्ज़, तो लाम में तरकीक असल है और रा में तफ़ीम असल है। रा में तफ़ीम क्या चीज़ है? पुर पढ़ना। ये सारे लोग सो गए हैं। लफ्ज़ अल्लाह लाम में तरकीक उला है, लाम में तरकीक यानी कि इसको हमेशा बारीक ही पढ़ना चाहिए, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह की तज़ीम की वजह से इसको, लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है इसको, इससे पहले ज़बर और पेश आ जाए तो पुर पढ़ा जाता है, और अगर ज़ेर आ जाए तो बारीक पढ़ा जाता है। दो ज़बर और पेश की वजह से लफ्ज़ अल्लाह को तज़ीम दी गई है और उसको पुर पढ़ा जा रहा है। और रा में तफ़ीम उला है, रा में तफ़ीम उला है यानी इसको हमेशा ही पुर पढ़ना चाहिए। इसलिए रब्बिरजिउनी में हमने देखा कि इसको भी पुर पढ़ा जा रहा है। इरजिउ कसरा आर्जी है तो उसकी कोई वक़्त नहीं है कि इसको बारी करें, इसलिए इसको पुर पढ़ा जा रहा है। इरजिउ कसरे आर्जी की वजह से भी इस पर असर नहीं पड़ता, इसको पुर पढ़ा जा रहा है, और दो कलमों की मिलाफ की वजह से भी इस पर असर नहीं पड़ रहा और इसको पुर पढ़ा जा रहा है। और रब्बिरजिउनी, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? सुना ही नहीं आप लोगों ने, कल पूछूंगा, सब्र कर। अच्छा, तो रा के पुर होने की तीन शर्तें हैं जब इससे पहले कसरा हो। एक ये कि कसरा आर्जी ना हो, असली हो, असली हो तो फिर इसको पुर पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, अगर आर्जी हो तो फिर इसको पुर पढ़ेंगे, जैसे इरजिउ। और दूसरी शर्त, जब ये कसरा, ये ज़ेर और ये रा दोनों एक कलमा में हो, तो अगर दो कलमा में होंगे तो फिर भी इसको पुर पढ़ा जाएगा, जैसे रब्बिरजिउनी। और अमिरताबु, यहाँ पर भी रा पुर है। और इस शर्त का पहचानना बनिस्बत पहली शर्त के आसान है। अभी कसरा आर्जी किधर है और असली किधर है, ये आप लोग अभी समझ नहीं सकते, ठीक है। तो और ये रब्बिरजिउन, अमिरताबु, दो कलमों का होना, ये तो आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि कलमों का एक या दो होना अक्सर हर शख्स को मालूम हो जाता है। तीसरी शर्त ये है कि इस रा के बाद उसी कलमा में हरूफ़ मुस्तालिया न हो। हरूफ़ मुस्तालिया कौन कौन से? हाँ, ये हरूफ़ मुस्तालिया है, भूल जाते हैं ना, बोला था याद कराऊंगा, लोग तो दो दो दिन आते भी नहीं हैं, क्या करेंगे, और आके सोने की नियत पर कर लेते हैं, सो जाते हैं, फिर सोने की नियत पकड़िए। देखो इधर ये सुतून देना लाजिम है, हाँ, इसने भी दिया है, उसने भी दिया है, इसने भी दिया है, ऐसे नहीं करो ना। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि ये सोने की नियत, इसको सोने की नियत कहते हैं, जब आप ऐसे लेज़ी बन के बैठते हो ना तो आदमी सो जाता है, बस ऐसे होंगे ना, जब आप यहाँ पे हाथ नहीं लगाओगे, इसको टेक नहीं दोगे ना, तो आप सो नहीं सकते, जब ऐसे करोगे इधर भी टेक लगता है ना। खुस्सा ज़ातिन क़िल, हरूफ़ मुस्तालिया में से कोई सिफत ना हो, अगर ऐसा होगा तो फिर रा को पुर पढ़ेंगे। ऐसे हरूफ सात हैं,
जिनका बयान लम्हा नंबर पाँच की सिफत पाँच में आ चुका है, जैसे किरतासिन, इरसादन, फिनकतन, लबिल मिरसाद, और इन सब में रा को पुर पढ़ेंगे। किरतासिन, किरतासिन, किर रा ज़ेर, इससे पहले रा साकिन, इससे पहले ज़ेर, ठीक है, लेकिन उसके बाद त आया है, क्या है त्वा, तो उस त्वा की वजह से इस रा को पुर पढ़ा जाएगा। और इसमें भी एक वजह है, अगर इस रा को बारीक पढ़ेंगे तो फिर हर्फ मुस्तालिया बहुत मुश्किल से अदा होगा, जो त्वा है बहुत मुश्किल से अदा होगा, इसलिए उसकी अदा को मद्दनज़र रखते हुए इस रा को भी पुर किया है, कि ज़ेर तो वैसे भी इससे पहले है ना, रा के ऊपर अपना ज़ेर तो नहीं है ना, पहली वजह, रा के ऊपर साकिन है, यानी रा साकिन है, अपना उस पर ज़बर या पेश नहीं है, ख़ुद मुतहरक नहीं है, पहली वजह। और दूसरी वजह कि हर्फ मुस्तालिया का अदा बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस सुकून की वजह से इसको और माकबल कसरा की वजह से इसको हमने पुर पढ़ना शुरू किया। और तीसरी वजह क्या है कि राम तफ़ीम उला है, राम तफ़ीम उला है, यानी रा का असल ही यही है कि इसको पुर पढ़ा जाए, तो इसलिए तीन वजहों की वजह से हमने इसको पुर पढ़ना शुरू किया। किरतासिन, 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 मश करें, किरतासिन, 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 अच्छा दूसरा इरसादन, 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 ये जो हमज़ा है ये असली है, ये हमज़ा असली है, लेकिन उधर मुस्तालिया आया हुआ है तो इसको भी पुर पढ़ा जाएगा। इरसादन, फिरकतन, 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 और इसमें फिरक, इसमें एक और भी कायदा आएगा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिरकतन और लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद, मिरसाद, मिरसाद ना, मिरसाद गलत है, मिरसाद, तो रा और साद दोनों को पुर पढ़ा जाएगा, और इन सब में रा को पुर पढ़ेंगे। और तमाम कुरान में इस कायदे के यही चार लफ्ज़ पाए जाते हैं, इन चार लफ्ज़ों को आपने याद किया, आपका एक कायदा, एक शर्त पूरा हो गया। और इस कायदे के यही चार लफ्ज़ पाए जाते हैं, और वैसे भी इसका पहचानना आसान है, इन चार लफ्ज़ों को याद रखें कि इनको पुर पढ़ना है, कुरान मजीद में जहाँ पर आ जाएँ उसको, इसको पुर पढ़ना है, ठीक है। किरतासिन, इरसादन, फिनकतन, लबिल मिरसाद, खुलासा पढ़ें या याद आ गया। रा, रा पर जब ज़बर या पेश हो इसको पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा, ये रा मुतहर्रिका। रा साकिना, रा अगर साकिन है तो इस और इससे पहले ज़बर या पेश है तो पुर पढ़ा जाएगा, और अगर ज़ेर हैं तो बारीक पढ़ा जाएगा, लेकिन इस बारीक पढ़ने में भी कितनी शर्तें हैं, तीन शर्तें हैं। पहली शर्त कि ये कसरा या जो ज़ेर है ये आर्जी ना हो, असली हो, ठीक है, तो उसको पुर पढ़ा जाएगा, और अगर ये कसरा आर्जी होगा तो इसको, अगर कसरा आर्जी होगा तो पुर पढ़ा जाएगा, अगर असली होगा तो फिर बारीक पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा शर्त ये है, दूसरी शर्त ये है कि ये रा और ये कसरा या ज़ेर दो लफ्ज़ों में ना हो, अगर दो लफ्ज़ों में होगा तो फिर पुर पढ़ा जाएगा, जैसे रब्बिरजिऊनी, ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है कि इसके बाद कोई रा साकिन हो, इससे पहले ज़ेर हो, लेकिन अगर इसके बाद हर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आया तो फिर उसको पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसमें ये शर्त फिर नहीं है कि इसमें कसरा असली है या कसरा इसमें
दो लफ्ज़ों में होना चाहिए, नहीं, एक लफ्ज़ में कसरा है लेकिन रा साकिन के बाद हर्फ मुस्तालिया है तो फिर उसको पुर ही पढ़ा जाएगा, उसको पुर ही पढ़ा जाएगा। बस पारा नंबर दो, रुकू नंबर दो, रुकू नंबर एक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما أرسلنا را रपुर या बारी के पुर कम अरसलना और ये अरसलना में हमजा जो है वो असली है और लफ्ज भी एक है। अरसलना फीकुम रसूलन, मीम को ज़रा वजाहत के साथ पढ़ना है, फीकुम रसूलन मिनकुम इदगाम, कल परसों इंशाल्लाह इसका सिफत पढ़ेंगे, رسولا منكم يتلو, कैसे पढ़ेंगे, يتلو गलत है, يتلو और जब आप तिलावत जारी रखते हैं ना तो उस वक़्त बहुत मुश्किल होता है, उस वक़्त ख्याल रखना है किसको कैसे अदा करना है। رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ يَيْلِين يَتْلُو وَاو مَدَّ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمْ وَيُعَعَعَ وَسْتِ حَلْقُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْحِكْمَةَ और हा को बारीक पढ़ना है, खौ को जब नुक्ते वाला हो उसको पुर पढ़ना है और जब बग़ैर नुक्ता वाला हो उसको बारीक पढ़ना है। हिक्मा हुक्म नहीं, हिक्मा ويعلمكم ما لم مدغم, ميم مدغم غنّا होगा,
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 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 ها تعلمون تعلمون سعد تعلمون تعلمون تعون تعلمون 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 غلطي تعلمون تعلمون فاذكروني فاذكروني فاذ تيك نكرا فاذ فا فاذ فا فا فاذ 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 فاذكروني فاذكروني زيني ز ذل ذل نرمي سي فاذكروني فاذ سعد فاذكروني فاذكروني فاذ 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 سعد فاذ فاذ فاذكروني شاباش هي سي پھر پڑھو فاذكروني 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 زاني نا فاذكروني نہیں ہے فاذكروني فاذ ایسے کر گئے فاذ 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 فاذكروني فاذكروني فاذكرو را را پر فاذكروني اذكركم اذ 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 اذكر 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 اذني انا اذ اذ اذكر اذ اذكر 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 را پر را پر ہے اس سے پہلے پیش ہے نا اذكركم واشكروا وش واشكروا لي ها واشكروا لي واشكروا لي تفشي واشكروا لي ولا تكفرون ولا تكفرون ولا تكفرون 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 فاتي كبچي تكفرون ولا تكفرون ولا تكفرون بيو ولا تكفرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رضيت بالله ربا ومن الاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول نبيا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اني نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من النار اللهم اني نسالك رضاك والجنه
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أجرنا من النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله تعالى على آخر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.